जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वेलकम माय डियर स्टूडेंट। देखो आज अपने डिस्कशन करेंगे एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट और सेकंड ये दो पार्ट अपने पहले पढ़ चुके। अब आज अपने डिस्कशन करेंगे इसी का क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा था, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व आर एक्यूट एंगल्स फॉर विच द एक्सप्रेशन आर डिफाइंड। निम्नलिखित सर्व समीकरण सिद्ध कीजिए जहाँ वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण है। अपने को दे रखा टेन थीटा अपॉन वन माइनस में कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन वन माइनस में टेन थीटा इक्वल टू में वन प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखना इसको, आप स्टार लगा लो यहाँ, इस क्वेश्चन को अच्छे से करके जाना। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इस एक्सरसाइज का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या लिखा है, टेन थीटा अपॉन में वन माइनस कॉट थीटा प्लस में कितना है कॉट थीटा अपॉन में कितना है वन माइनस में टेन थीटा इक्वल टू में कितना है वन प्लस सेक थीटा और कोसेक थीटा। दे रखा अपने को, यहाँ देखो क्वेश्चन है अपने पास। मैंने आपको क्या कहा था, सबसे पहले अपने क्या माइंड में रखना है कि जो भी टेन में आ जाए कॉट में आ जाए एक ही है कि इन सबको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दो। तो सबसे पहला हमारा टारगेट क्या है, इन सारी टर्म को साइन और कॉस में लेके आना, फिर अपने को आगे सॉल्व करना है। तो देखो सबसे पहले अपने एल एच एस से स्टार्टिंग कर दें। एल एच एस अपने किसके इक्वल आएंगे, आर एच एस के, कि बाया पक्ष किसके इक्वल आ जाएगा, दाया पक्ष। तो देखो यहाँ हमारे पास कितना है, टेन थीटा अपॉन वन माइनस कॉट थीटा। तो इसको टेन थीटा को अपने क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, वन माइनस में कितना आ जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। आइए इतना ध्यान से देखना यहाँ तक, टेन थीटा कितना हुआ, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन में वन माइनस कॉट थीटा कितना है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। एज इट इज यहाँ कॉट थीटा कितना है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, डिवाइड में कितना आ जाएगा, वन माइनस में साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। आगे इतना, अब देखो यहाँ जो वन माइनस मैंने क्या कहा, एक भी वैल्यू अगर अपॉन में आ जाती है, मैंने कितनी बार बताया अभी है आपको कि सबसे पहले इसका एलसीएम लेना और एलसीएम लेके सॉल्व करना है। देखो पहले इसका अपने एलसीएम लेंगे, फिर एलसीएम लेने के बाद इसका रेसिप्रोकल करके इस वैल्यू को अपने कहाँ लेके आइए, ऊपर लेकर आइए। तो देखो पहले अपने क्या करना है, इसका एलसीएम करना है। तो देखो एलसीएम करने के लिए सबसे पहले ये तो वैल्यू एज इट इज ऊपर वाली, साइन थीटा डिवाइड कॉस थीटा, ये तो एज इट इज लिखना है आपको। अपॉन में कितना आ जाएगा, देखो वन अपॉन वन और साइन थीटा का एलसीएम कितना हुआ, साइन थीटा, वन की साइन थीटा अपॉन वन कितना आएगा, साइन थीटा, साइन थीटा की मल्टीप्लाई वन से करेंगे कितना हो जाएगा, साइन थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन में साइन थीटा कितना हुआ वन, वन की मल्टीप्लाई कॉस थीटा से करेंगे कितना आ जाएगा, कॉस थीटा प्लस यहाँ कितना है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, डिवाइड में यहाँ कितना है, वन अपॉन वन माइनस में साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। वन और कॉस थीटा का अपने एलसीएम लेंगे कितना आएगा, कॉस थीटा। तो देखो यहाँ एलसीएम अपने पास कितना आ गया, कॉस थीटा, देखो कॉस थीटा अपॉन है वन कितना होता है, कॉस थीटा मल्टीप्लाई वन से करेंगे कितना आ जाएगा, कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा कितना हुआ वन, वन की मल्टीप्लाई साइन थीटा से कितना आ जाएगा, साइन थीटा। आ गया अपने पास आंसर। तो देखो ये था साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। यहाँ लिखा है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो फर्स्ट अपना टारगेट क्या, इन दोनों वैल्यू को अपने को ऊपर लेकर आना है। तो मतलब जो डिवाइड वाला नंबर है इसका रेसिप्रोकल, मतलब उल्टा करके अपने को लिखना कि जो ये वैल्यू साइन थीटा वो ऊपर मल्टीप्लाई में आ जाएगी और ये वैल्यू डिवाइड में आ जाएगी। देखो यहाँ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा, देखो साइन थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। आ गया इतना, एज इट इज यहाँ देखो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा, कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब यहाँ से जो इस सिचुएशन है वो क्या हो जाती है, कॉम्प्लिकेटेड, हार्ड लगने लग जाती है।
क्योंकि देखो यहाँ कॉस थीटा है, यहाँ साइन थीटा है, यहाँ साइन थीटा माइनस है कॉस थीटा और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अगर अपने इसका एलसीएम लेना तो अपने को 1, 2, 3, 4 ये चारों वैल्यू अपने को एलसीएम में लिखनी पड़ेगी। इससे अच्छा क्या करना पड़ेगा, यहाँ ध्यान से समझना, यहाँ लिखा है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, अपने इसमें से क्या करेंगे माइनस कॉमन ले लेंगे। माइनस कॉमन लेने से क्या हो जाएगा इधर की ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा क्या क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, मतलब दोनों के साइन क्या हो जाएगा, चिन्ह क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। जिससे कि ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ भी कितना आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो क्या करना है अपने को, इन दोनों में से माइनस कॉमन लेना है। तो ध्यान से समझना इस स्टेप को कि अब अपने क्या करने वाले हैं। यहाँ देखो यहाँ कितना लिखा है साइन थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा अपॉन में कितना है, इधर देखो साइन थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा, इसको भी अपने क्या लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कितना है कॉस थीटा, और साथ में कितना आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। आ गया इतना। अब देखो यहाँ कॉस थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा कितना हुआ कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में कितना है यहाँ साइन थीटा, यहाँ एक माइनस अपने कॉमन ले लेते हैं जिससे कि क्या आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ ध्यान से समझना आपने क्या किया है, देखो कॉस थीटा माइनस में साइन थीटा था, हमने क्या किया इनमें से दोनों में से माइनस कॉमन लिया। माइनस कॉमन लेने से क्या हुआ, देखो जो प्लस का साइन था वो किस में आ गया माइनस में, और जो माइनस का साइन था वो किस में आ गया प्लस में। अब देखो ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आ गया दोनों सेम। तो देखो अपने क्या लिखना है इधर, साइन स्क्वायर थीटा यहाँ कितना है कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ कितना आ जाएगा प्लस और माइनस का साइन है माइनस का साइन। अब देखो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब अपने क्या कर सकते हैं, इनका एलसीएम ले सकते हैं। देखो एलसीएम लेने पर एक तो आएगा साइन थीटा, एक आएगा कॉस थीटा, लेकिन अब इन दोनों में अपने को ये दो बार नहीं लिखना, अपने एक बार ही लिखेंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो देखो यहाँ इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेना, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। यहाँ देखो यहाँ अपने एलसीएम कितना आ गया साइन थीटा कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, हो गया इतना। अब देखो कॉस थीटा है, ये जब वैल्यू अपने डिवाइड में ये लिखते हैं तो कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से ये वैल्यू कट गई, लेकिन अब कितना आ रहा अपने पास साइन थीटा। इस साइन थीटा की मल्टीप्लाई किससे करनी है, साइन स्क्वायर थीटा से। तो यहाँ कितना आ जाएगा साइन की पावर 3 साइन क्यूब थीटा माइनस, अब देखो साइन कौन सा है माइनस, साइन थीटा से साइन थीटा कट हो गया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से ये वैल्यू कट होगी, अपने पास कितना आ रहा कॉस थीटा, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा कॉस क्यूब थीटा, आगे इतना। अब देखो यहाँ एक फॉर्मूला लगेगा कौन सा, ए क्यू माइनस बी क्यू, फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखो यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा, बस इधर माइनस है तो यहाँ क्या हो जाता है प्लस हो जाता है। ये तो वैल्यू देखो प्लस में भी सेम रहेगी कि ए स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर, अगर यहाँ प्लस होता तो भी अपने क्या लिखते हैं इधर देखो ए क्यू प्लस बी क्यू, अगर यहाँ प्लस होता तो अपने क्या लिखते ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो देखो ये वैल्यू तो एज इट इज रहती है, बस साइन क्या होता है यहाँ माइनस तो यहाँ माइनस, लेकिन इधर क्या हो जाता है प्लस, और यहाँ प्लस है तो यहाँ अंदर यहाँ साइन क्या आएगा प्लस, लेकिन यहाँ क्या हो जाता है माइनस। इस चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ ये कन्फ्यूजन करेगा, फॉर्मूले में गलती मत कर देना, इसको अच्छे समझ लेना। तो अपने पास क्या है इधर ए क्यू माइनस बी क्यू, तो अपने को अभी कौन सा फॉर्मूला लगाना है ए क्यू माइनस बी क्यू। देखो यहाँ कितना लिखा है साइन क्यू थीटा माइनस कॉस क्यू थीटा, तो अपने इसको क्या लिख सकते हैं, देखो ए माइनस में बी, तो यहाँ कितना आ जाएगा देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा,
एक बात और ध्यान रखना, यहाँ ए क्यू माइनस बी क्यू, यहाँ ए माइनस बी है तो इसको ए मत ले लेना साइन क्यू थीटा को। यहाँ ए की पावर 3 है इसलिए साइन की पावर 3 है। ए कितना है? साइन थीटा। और बी कितना है? सिर्फ कॉस थीटा है, पावर नहीं है उसके ऊपर। तो यहाँ कितना हो जाएगा देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, और प्लस में कितना आ जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा आ गया इधर। तो ये फॉर्मूला एज इट इज अपने को यहाँ पुट करना है। देखो इधर, यहाँ कितना लिखेंगे अपने? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, फिर कितना आ जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, और प्लस में कितना आ जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा। अपॉन में कितना लिखा है देखो? साइन थीटा कॉस थीटा, और यहाँ कितना है? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखो, यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये वैल्यू तो क्या हो जाएगी? इधर कट हो जाएगी। अब अपने पास यहाँ आ रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखो फॉर्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है? 1। तो यहाँ कितना आ जाएगा देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हुआ? 1 प्लस में साइन थीटा कॉस थीटा, अपॉन में कितना आया? साइन थीटा कॉस थीटा आ गया इतना। अब देखो, जब अपने एलसीएम लेते हैं तो ये दोनों वैल्यू कंबाइंड हो जाती है, ऊपर ये टर्म आ जाती है। इसको अपने आप इस पर डिवाइड कर देंगे कि देखो कैसे, कि हमने क्या लिखा? 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, अपॉन में कितना आ जाएगा? यहाँ अगर अपने एलसीएम ले तो वापस से वही साइन थीटा कॉस थीटा, ऊपर वैल्यू क्या आ जाएंगे? 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। लेकिन इसको यहाँ समझने के लिए मैंने इसको क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया कि 1 अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, अपॉन में भी कितना आ जाएगा? साइन थीटा कॉस थीटा। तो यहाँ ये वैल्यू आपस में कट हो जाएगी, कितना आ जाएगा? 1। लेकिन यहाँ देखो, 1 अपॉन में साइन थीटा है और यहाँ कितना है? इसको अपने ये लिख सकते हैं, 1 अपॉन में कॉस थीटा और प्लस में 1। देखो 1 1 जा 1 होता है, साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा वही होता है 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। लेकिन 1 अपॉन साइन थीटा लिखने से अपने इसको क्या लिख सकते हैं? कॉसेक थीटा। यहाँ कितना आ जाएगा? कॉसेक थीटा प्लस 1 अपॉन में कॉस थीटा को अपने क्या लिख सकते हैं? सेक थीटा। यहाँ बीच में साइन कौन सा है? मल्टीप्लाई का साइन है, सेक थीटा प्लस 1। तो अपना आंसर कितना आ गया देखो, कॉसेक थीटा मल्टीप्लाई सेक थीटा प्लस में 1। यहाँ कितना है? कॉसेक थीटा मल्टीप्लाई सेक थीटा प्लस 1। चाहे इसको पहले लिखो, इसको बाद में, या इसको बाद में लिखो, इसको पहले, आंसर क्या है? सेम। तो LHS इज इक्वल टू RHS, दाया पक्ष किसके बराबर हो जाएगा? बाया पक्ष के। तो देखो सबसे पहले यहाँ वैल्यू थी, हमने क्या किया इसको, टैन और कोट को सबसे पहले किस में चेंज किया? साइन और कॉस के अंदर। यहाँ टैन थीटा था तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यहाँ कोट था तो कॉस अपॉन में साइन थीटा। जब सॉल्व किया इधर साइन कॉस भी, नीचे हमने देखा कि 1 माइनस में इधर कितना आया? कॉस अपॉन में साइन। और यहाँ अपने पास आया था 1 माइनस में साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यहाँ हमने एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद जो डिवाइड में जो वैल्यू है उसका हमने रेसिप्रोकल किया, उल्टा करके लिखा। उसके बाद हमने देखा कि हमारे पास लाल आगे की टर्म क्या आई थी। ये करने के बाद अपने क्या देखा, हमने इसका एलसीएम, तो हमने क्या देखा, एलसीएम अपने नहीं ले पा रहे थे क्योंकि हमारे पास चार वैल्यू डिफरेंट आ रही थी। उसमें कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ क्या था? कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो जब इनको एक साथ एक ही जैसे साइन में करने के लिए हमने इधर क्या किया, माइनस कॉमन लिया। माइनस कॉमन करने से वो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा ना होगी, क्या हो गया? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, जिससे कि ये दोनों वैल्यू क्या आ गई इधर सेम। और यहाँ प्लस माइनस का साइन किस में कन्वर्ट हो गया? माइनस में। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में ये वैल्यू, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन ये। अब फिर हमने इनका क्या किया, एलसीएम लिया। एलसीएम लेने पर यहाँ देखो कॉस थीटा है, साइन थीटा है, और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो कॉस थीटा से कॉस थीटा कट हो गया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से वैल्यू कट होगी। अपने पास कितना रहा? साइन थीटा। इस साइन थीटा की हमने मल्टीप्लाई गुणा किससे करवा ली? साइन स्क्वायर थीटा से। तो यहाँ कितना आ गया? साइन की पावर 3 थीटा।
यहाँ देखो साइन थीटा से साइन थीटा कट हो गया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से कट हो गया, यहाँ कितना रह गया अपने पास में कॉस थीटा, तो कॉस थीटा की मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर थीटा से की, कितना आया कॉस क्यू थीटा। फिर यहाँ एक फॉर्मूला अप्लाई हो जाता है, ए की पावर थ्री माइनस बी की पावर थ्री क्या होता है ए माइनस में बी मल्टीप्लाई ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ देखो अपने a की पावर थ्री, a कितना है साइन थीटा, b कितना है कॉस थीटा, तो a माइनस b कितना होगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू एज इट इज रखिए। आप देखो यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा क्या हो गया कट हो गया इधर। अब रहा साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है वन, यहाँ हमने कितना लिखा वन, वन प्लस में साइन थीटा कॉस थीटा और डिवाइड में कितना है साइन थीटा कॉस थीटा। देखो इसको अपने जब एलसीएम लेते हैं तो ये टर्म आती है, अपने इसको डिवाइड कर दिया वापस से दो पार्ट्स में कि वन अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस का साइन है तो यहाँ बीच में प्लस का साइन, साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में कितना हुआ साइन थीटा कॉस थीटा, तो यहाँ तो ये वैल्यू कट हो जाएंगी कितना आ गया वन, तो प्लस का कितना रहा वन। अब देखो वन अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा, इसको अपने ये लिख सकते हैं वन अपॉन साइन थीटा मल्टीप्लाई वन अपॉन कॉस थीटा, कि वन बन जा वापस से कितना आएगा वन और साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा कितना हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा। लेकिन यहाँ इसको सेपरेट करने से क्या हुआ, अलग करने से क्या हुआ कि वन अपॉन में साइन थीटा किसके इक्वल हुआ कॉसेक थीटा के, वन अपॉन कॉस थीटा किसके इक्वल हुआ सेक थीटा के प्लस वन, तो कॉसेक थीटा मल्टीप्लाई सेक थीटा प्लस वन। ये हो गया अपने क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर फोर के थर्ड का आंसर। तो स्टूडेंट अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।